हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चनास विलेज किचन में। आज की वीडियो में नवरात्रि स्पेशल व्रत वाली नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने आलू से बनाया है, जिसे लच्छा नमकीन के नाम से भी आप जानते होंगे। और ये नमकीन बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है मात्र कुछ इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 से 7 आलू को छील के अच्छे से और धो के इसे पानी में मैंने भिगो के रखा है। और आपको जितने नमकीन बनाने हो उस हिसाब से आप आलू ले सकते हैं, और बड़े साइज़ का आलू हो तो और अच्छा है। और यहाँ पे मैं इसे ये जो नॉर्मल वाला आता है वो हम इसमें इसके साथ इसे कद्दूकस करेंगे। और आपके पास जो ग्रेटर वो मोटा वाला आता हो, जितना मोटा ग्रेटर रहेगा उतना अच्छा आपका आएगा, लेकिन मेरे पास यही था तो इसके साथ मैं बना रही हूँ। और इस तरह से देख सकते हैं आप, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके और इसे इस पर कद्दूकस करके और इसमें मैं पानी में इसे भिगाते जाऊँगी। और इसी तरह से हमें इसे करके और सारा हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया आलू को, इस तरह से ग्रेट कर लिया। और अब इसे हम अच्छी तरह से धोएंगे, और धोने के लिए हमें 2 से 3 बार पानी से साफ पानी करना होगा, ताकि धुलते वक्त पानी एकदम साफ हो जाए। तब तक आपको धुलना है कि जब तक इसका स्टार्च अच्छे से ना निकल जाए आलू का, नहीं तो आपके नमकीन जो है क्रंची नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मैं 2 से 3 पानी के साथ साफ कर रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी बार मैं पानी से धो रही हूँ, और पानी से अब देखिए पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा है, पानी अब साफ है। तो अच्छे से धो के मैं इसे और पानी इसका अच्छे से निचोड़ के एक बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे सारे आलू के जो ग्रेट किए हुए थे लच्छे जो है हमारे बनके तैयार हैं, और इनको हम पंखे के नीचे सूखने के लिए रख देंगे। अगर टाइम हो तो आपके पास पंखे के नीचे ही रख दीजिए, मेरे पास थोड़ी सी टाइम थी तो मैंने पंखे के नीचे रख दिया था। अगर आपको जल्दी बनाना हो तो किसी टॉवल या फिर किसी गमछे के साथ, सूती कपड़े के साथ आप इसे सुखा सकते हैं उसमें लपेट के। और मैंने इसे पंखे के नीचे रखा, बिल्कुल अच्छे से इसके पानी जो है सूख चुका है, देखिए हाथ में बिल्कुल नहीं लग रहा पानी। और अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आपको व्रत में जो तेल आप यूज़ करते हो उसके साथ आप इसे बना सकते हैं। और सबसे पहले तेल जब थोड़ा सा ही गर्म है तो इसमें मैं मूंगफली डाल के और इसे भून लूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो मूंगफली जो है जल जाएगी, अच्छी से नहीं भुनेगी। तो यहाँ पे मूंगफली हम सबसे पहले भून के इस तरह से निकाल लिए। और अब इसके बाद 2-3 आलू को ऐसे ही हम लच्छे को डाल के उसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे आलू ऊपर आ गए हैं और ये तेल जो है बहुत अच्छा गर्म है, और इसको आप ध्यान रखिएगा हाई फ्लेम करके ही इसे बनाना है। कम आँच करेंगे तो फिर नमकीन जो है कुरकुरी नहीं बनेगी। और इस तरह से इसमें डाल के और इसे हमेशा चलाते ही रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसे करके हो जाएंगे आपके फ्राई। और इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए लच्छे जो हैं आलू के बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, देखने से आपको कलर पता चल रहा होगा। और इसे अब हम निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया इसकी नमकीन लगती है, आप ज़रूर ट्राई करना, और जल्दी से बन भी जाती है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और ख़ास करके चाय के साथ तो बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। और इसी तरह से हम सारे आलू के लच्छे को डाल के तेल में और इस तरह से इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लच्छे जो हमारे हैं नमकीन के वो फ्राई हो चुके हैं और बहुत अच्छे से क्रंची फ्राई हुए हैं। अब इसमें हम मूंगफली डाल देते हैं, और मूंगफली डाल के और इसके जो मसाले मिलाएंगे, तो सबसे पहले हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। और थोड़ा सा इसमें काला नमक डालेंगे,
अगर आपको पसंद है तो काला नमक डालिए, और यहाँ पे थोड़ी सी हम आमचूर पाउडर डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो ये भी डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, केवल काली मिर्च और नमक के साथ इसे बना सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल देंगे, और सारी चीज़ें इसमें डाल के इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी और ये बहुत कुरकुरा और क्रंची बना हुआ है। तो दोस्तों, नमकीन की वीडियो कैसी लगी आपको? खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।